गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्कशीट ऑफ ईवीएस चैप्टर नंबर थर्टीन अ रिवर स्टे वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट वॉट इन द रिवर कीप्स ऑन चेंजिंग एज इट फ्लोज थ्रू वेरियस प्लेसेस ए वॉटर बी फिशेज सी बोट डी शिप रिवर में क्या चेंज होता रहता है जैसे जैसे वो अलग अलग प्लेसेस से होके फ्लो होके आता है सो द आंसर इज वॉटर नेक्स्ट वॉट वॉज स्टार्टेड नियर द रिवर रिवर के पास क्या शुरू हुआ था ए फैक्ट्री बी मार्केट सी मॉल डी नन ऑफ दिज सो द आंसर इज फैक्ट्री नेक्स्ट द रिवर वॉज फुल ऑफ रिवर पूरी किस्से भरी हुई थी ए ब्लू वाटर बी फिशेज सी बोथ ऑफ दिज डी नन ऑफ दिज सो द आंसर इज बोथ ऑफ दिस मीन्स रिवर जो थी वो उसमें क्या क्या था फुल ब्लू वॉटर एंड फिशेज नेक्स्ट द वेज़ ऑफ़ क्लिनिंग दाटर आर ए बॉयलिंग बी ब्लीच सी सोलर ट्रीटमेंट ई ऑल ऑफ दिस वो कौन से तरीके होते हैं जिससे हम पानी को क्लीन कर सकते हैं सो द आंसर इज ऑल ऑफ दिस मीन्स बॉइलिंग करके भी ब्लीच डाल के भी उसमें और सोलर ट्रीटमेंट करके भी नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द रिवर शुड वी ड्रिंक वाटर कौन से रिवर के कौन से पार्ट से हमें पानी पीना चाहिए ए माउंटेन रीजन बी हिली रीजन सी सी रीजन डी नन ऑफ दीज सो द आंसर इज माउंटेन रीजन क्योंकि वहाँ से सबसे फ्रेश वाटर आता है नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द रिवर कीप्स डैश एज इट क्लोज थ्रू वेरियस प्लेसेस. वाटर जो होता है रिवर में वो क्या होता रहता है जैसे जैसे वो फ्लो होता है वेरियस प्लेसेस से सो वॉटर चेंज होता रहता है सो विल राइट चेंजिंग नेक्स्ट डैश ऑफ स्ट्रीम इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ ईयर Uh, किस चीज़ का जो स्ट्रीम होता है वो अलग होता है अलग अलग uh, सालों के टाइम पे सो दैट इज़ फ्लो फ्लो ऑफ स्ट्रीम जो होता है वो डिफरेंट होता है अलग अलग uh, जो साल होते हैं उसके टाइम में अलग अलग वो डिफ़रेंट uh, होता रहता है नेक्स्ट इज वाटर फ्रॉम द सी इज़ नॉट ड्रिंकेबल जो नदी का uh, जो सी का पानी होता है वो uh, पीने लायक नहीं होता है क्यों क्योंकि वो बहुत सॉल्टी होता है नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस पल्यूट द रिवर वाटर जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस होते हैं वो रिवर वाटर को पल्यूट करते हैं नेक्स्ट इज मैच द कॉलम फर्स्ट वी हैव पीपल यूज रिवर वाटर फॉर लोग रिवर वाटर किस लिए यूज़ करते हैं सो वी विल मैच विथ वाशिंग क्लोथ्स बाथिंग एनिमल्स एंड क्लीनिंग यूटेंसल्स कपड़े धोने के लिए एनिमल्स को नहलाने के लिए और बर्तन साफ़ करने के लिए नेक्स्ट इज फिल्टरिंग बॉयलिंग यू वी ट्रीटमेंट आर मेथड्स फॉर फिल्टरिंग बॉइलिंग यू वी ये ट्रीटमेंट ये सब किसके मेथड्स हैं क्लिनिंग वाटर पानी को साफ करने के मैथड्स हैं ये नेक्स्ट इज शुगर सॉल्ट लेमन जूस शर्बत सो so, uh, ये आप किससे मैच करेंगे डिजोल्व इन वाटर मीन्स शुगर सॉल्ट लेमन जूस और शरबत जो होते हैं ये पानी में इजीली घुल जाते हैं नेक्स्ट मडी वाटर इन रिजर्वायर्स यू विल मैच विथ इस सीन ड्यूरिंग रेनी सीजन जो मडी वाटर होता है रिजर्वायर्स में ये कब देखा जा सकता है जब रेनी सीजन होता है नेक्स्ट वी हैव आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस आपको वन वर्ड में आंसर देना है या सेंटेंस में क्वेश्चन वन नी मैनी वन वे ऑफ क्लीनिंग द वाटर आपको एक तरीका बताना है कि पानी कैसे साफ कर सकते हो सो द आंसर इज वाटर प्योरिफायर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस डू द वाटर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस पानी को क्या कर देते हैं सो द आंसर इज पल्यूट नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द कलर ऑफ द रिवर वैन इट बिगिनस जब रिवर शुरू होती है तो उसका कलर कैसा होता है सो द आंसर इज ब्लू नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज क्या देखा जा सकता है रिवर में ज़, विलेज जब वो विज पहुँचती है उससे पहले क्या देखा जा सकता है सो द आंसर इज अलार्ज नंबर ऑफ़ फ़िश उसमें बहुत सारी क्या होती हैं फिशेज नेक्स्ट क्वेश्चन हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इन टू रिवर्स और वाटर बॉडीज क्या आपने कभी देखा है लोगों को कि बहुत से लोग अलग अलग चीज़ें फेंक देते हैं रिवर में या वाटर बॉडीज में सो द आंसर इज येस आई हैव सीन पीपल थ्रोइंग कॉइंस एशज ऑफ डेड ह्यूमन्स रिलीजियस स्टैचूज एक्सैक्ट्रा तो हमने देखा है कि कई बार लोग कुछ लोग कॉइंस uh, फेंक देते हैं कुछ लोग डेड ह्यूमन्स के एशेज फेंक देते हैं और कुछ लोग रिलीजियस स्टैचूज जो होते हैं कई बार वो भी फेंक देते हैं वाटर में नेक्स्ट क्वेश्चन एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज कौन कौन सी जगह में uh, जो वाटर का कलर था वो uh, 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 वो चेंज हुआ सो द आंसर इज सिटी टाउन एंड विलेज नेक्स्ट क्वेश्चन वाइल्ड रेनी एंड समर सीजन देयर इज सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स रेनी और समर सीजन में सेम अमाउंट ऑफ वाटर होता है पौन में सो द आंसर नो एज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रेनी सीजन इज मोर देन इन समर नहीं जो आ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेनी सीजन में बारिश बहुत होती है तो जो वाटर का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है देन समर से नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द चेंज इन द वाटर ड्यूरिंग समर समर के टाइम पे वाटर में क्या चेंज होता है द आंसर द वाटर लेवल ऑफ द रिवर इज क्वाइट लो जो वाटर लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर डिक्रीज इन नंबर ऑफ़ फिशेज इन रिवर क्या रीज़न हो सकता है कि जो रिवर में फिशेज होती हैं वो कम हो उनका जो नंबर है वो थोड़ा कम हो जाता है सो द आंसर इज पल्यूशन पल्यूशन की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक एंड वाई अगर आपको पानी पीना थोड़ा सा पानी पीना है तो आप रिवर के कौन से पार्ट में से पीना चाहेंगे और क्यों नो आंसर वी वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द रिवर बिकॉज इट रिमेन्स प्योर एट दिस प्लेस हम पीना चाहेंगे पानी को बिगनिंग uh, पार्ट में रिवर के क्योंकि वहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल प्योर होता है नेक्स्ट वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन वन एट सम प्लेसिस देयर आर मेनी फिश इन द रिवर एट अदर्स देयर आर ओनली अ फ्यू एंड एट सम प्लेसिस देयर आर डेड फिश वॉट कुड बी द रीज़न फॉर दिस कुछ जगह तो uh, बहुत सारी फिशज थी पान, रिवर में uh, कहीं जगह क्या हुआ थोड़ी थोड़ी हो गई और कहीं जगह डेड फिश थी तो ये क्या रीज़न हो सकता है इसका So the answer fish can survive better in fresh and clean water, but near the villages and towns, people pollute water by throwing poisonous waste and garbage. दिस मेक्स वाटर अनफिट फॉर द फिश एंड एज अ रिजल्ट अलार नंबर ऑफ़ फिश टाई फिश जो है वो आ, फ्रेश और क्लीन वाटर में सर्वाइव कर सकती हैं अच्छे से लेकिन हमने देखा कि विलेज़ और टाउन्स के पास लोग जो है उन्होंने पानी को गंदा शुरू कर करना शुरू कर दिया पॉइजनस वेस्ट थ्रो करके या गारबेज थ्रो करके इससे पानी जो है वो अनफिट बन गया फिश के लिए तो इस वजह से क्या हुआ बहुत सारी फिश मर गई नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ आर द वेवस इन द सी मूव वे जो सम, सी होता है उसमें वेव्स कैसे मूव करती हैं सो द आंसर सी वेव्स मूव्स अप एंड डाउन सी वेव्स कैसे मूव करती हैं अप एंड डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ रिवर पॉन्ड और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वुड दीज बी क्या आ, आप आ, सोचते हैं कि चेंजेस होने चाहिए रिवर पॉन्ड और स्ट्रीम में अलग अलग ईयर के टाइम पे तो वो चेंजेस क्या हो सकते हैं सुधार से येस देर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ रिवर पॉन्ड और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर फॉर एग्जाम्पल इन हॉट समर द वाटर लेवल डिक्रीज ड्यू टू इवेपोरेशन इन द रेनी सीजन द वाटर लेवल राइजेस इन विंटर्स द वाटर एट सम प्लेसेस प्रीजेज ड्यू टू कोल हाँ चेंजेस होने चाहिए रिवर पॉन्ड और स्ट्रीम में अलग अलग ईयर uh, के टाइम पे क्योंकि देखिए हॉट समर में वाटर लेवल जो होता है वो कम हो जाता है इवेपोरेशन की वजह से रेनी सीजन में वाटर लेवल बढ़ जाता है और विंटर्स में जो वाटर है कई जगह पे वो फ्रीज़ हो जाता है ठंड की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन ड्रिंकिंग वाटर बी क्लीनड एट योर होम जो पीने वाला पानी होता है वो कैसे साफ हो सकता है आपके घर में सो द आंसर बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर वी कैन क्लीन द वाटर इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर यूज़ करके हम पानी को साफ रख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट हैपन्स वेन देयर इज अ फ्लड क्या होता है जब फ्लड आ जाती है सो द आंसर ऑल द हाउस रोड्स फील्ड्स एक्सेट्रा गेट कवर्ड बाय वाटर इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू सर्वाइव एट सच प्लेसेस तो जितने भी घर रोड्स फील्ड्स होते हैं वो उन सब जगह पानी भर जाता है और लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी जगह पे सर्वाइव करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर्स क्लीन डिस्कस क्या किया जाना चाहिए नदियों को साफ रखने के लिए सो द आंसर स्टॉप वॉशिंग और बाथिंग एंड एक्टिविटीज नहाने की या फिर वॉश करने की एक्टिविटीज को रोकना चाहिए ट्रीटिंग द म्यूनिसिपल वेस्ट जो भी म्यूनिसिपल वेस्ट है उसको ट्रीट treat, उसका ट्रीटमेंट कर, कर, करना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो अराउंड अ रिवर रिवर के अराउंड किस तरह के ट्रीज और प्लांट्स ग्रो होते हैं सो द आंसर मेनी लार्ज एंड थिक ट्रीज एंड बुशी प्लांट्स ग्रो अराउंड इट कई लार्ज और थिक ट्रीज और बुशी प्लांट्स ग्रो होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर आपको अलग अलग तरीके बताने वाटर uh, क्लीन करने के सो द आंसर इज बॉइलिंग एडिंग एलम एडिंग क्लोरीन एंड फिल्ट्रेशन सो चिल्ड्रन कंप्लीट दीज एक्सरसाइजेज इन योर नोटबुक एंड थैंक यू चिल्ड्रन